वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके सर मैथ्स वाले। आज आपके सामने ला चुका हूँ एक्सरसाइज 2.2 जो है क्लास 10 सेट्स का। मैंने एक्सरसाइज 2.1 पिछले वीडियो में खत्म कर ली थी, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी जाके नीचे उसको देख लो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर लीजिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, मैं और वीडियो लाता रहूंगा। Subscribe to the channel RK Sir Maths Wale and press the bell icon to be notified from every update. Students, चलिए अब हम exercise start कर लेते हैं। अभी तक आपने like button को press नहीं किया तो please like कर दीजिए, so that मुझे motivation मिलता रहेगा कि next videos में और अच्छे से बना सकूं। सबसे पहला question है आपको दिया गया exercise 2.2 में, if A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to 1, 2, 3, 5, 6, then find A intersection B and B intersection A. Are they equal? तो आपको सबसे पहले यहाँ पे A intersection B और B intersection A find करना है और देखना है कि वो दोनों equal है या नहीं। मैंने आपको intersection पहले से ही समझा रखा है, चलिए सीधा शुरू कर लेते हैं हम आंसर को। सबसे पहले हमें दिया गया है सेट A is equal to 1, 2, 3, 4 और B सेट है 1, 2, 3, 5, 6। सबसे पहले मैं यहाँ पे find कर लूंगा A intersection B, तो यहाँ पे देखिए A intersection B is equal to, सबसे पहले सेट A आ जाएगा 1, 2, 3, 4। आप यहाँ पे गौर से देखते रहिए, इंटरसेक्शन का फिर सिंबल आएगा, B सेट लिख लेंगे आप 1, 2, 3, 5 और 6। इंटरसेक्शन मतलब मैंने आपको क्या कहा था, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कुछ भी कॉमन है आपको वो यहाँ पे आंसर लिख लेना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल जाएंगे, 1, 2, 3, बस यहाँ पे कितने हो गए कॉमन, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6 और 4 अलग अलग टर्म्स है। तो ये हो गया A इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पे कर लेंगे हम B इंटरसेक्शन A, तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है B सेट, फिर आ रहा है A सेट, तो B सेट का क्या क्या है देख लीजिए आप, 1, 2, 3, 5 और 6 इंटरसेक्शन सेट A। सेट A में क्या है, 1, 2, 3, 4, ये चार एलिमेंट्स आपको सेट A में मिल जाएंगे। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 1, 2, 3, ये तीन आपको यहाँ पे कॉमन मिल जाएंगे। ये हो गया B इंटरसेक्शन A। अब आप देखिए लास्ट में हमें क्या पूछ रहा है, हमें लास्ट में ये पूछ रहा है आर दे इक्वल, मतलब दोनों भी जो हमें सेट्स मिले हैं यहाँ पे A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A, वो दोनों इक्वल है या नहीं पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो मतलब therefore A intersection B is absolutely equal to B intersection A, दोनों बिना कोई शक के बिल्कुल इक्वल है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी बहुत देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ पे गौर से देख लीजिए कि मैं इसको किस तरह से सॉल्व करता हूँ। सेकेंड वाला क्वेश्चन है A इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे सेट दिया गया है, उसके एलिमेंट्स है 0, 2 और 4, फाइंड A इंटरसेक्शन नल सेट। ये क्या है, ये है एक नल सेट एंड A इंटरसेक्शन A, तो आप इसको ये दोनों को करने के बाद कुछ कमेंट करिए। तो देखिए यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ मेरा आंसर, A इज इक्वल टू 0, 2, 4, ये तीन एलिमेंट्स मुझे दिए गए हैं सेट A में। अब उसके बाद आ जाएगा A इंटरसेक्शन नल सेट, तो A इंटरसेक्शन नल सेट। अब नल सेट मतलब क्या होगा, तो एम्प्टी होगा। A का मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ 0, 2, 4 इंटरसेक्शन नल सेट, मतलब एम्प्टी सेट। अब इन दोनों सेट्स में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, अब ये दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में हो गया एम्प्टी सेट। दोनों का कॉमन क्या है, एम्प्टी सेट, मतलब A इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू नल सेट। आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू नल सेट। तो सबसे पहले हमने कर लिया है, सेकंड देखते हैं अब, A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू, सबसे पहले हम A लिख लेंगे 0, 2, 4, फिर आएगा इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर सेम A लिख लेंगे 0, 2, 4, ये हो गया A इंटरसेक्शन A। अब दोनों में कॉमन क्या है,
दोनों में भी तो सेम कॉमन होंगे, 0, 2, 4 ही आएगा दोनों का कॉमन, 0, 2, 4 मतलब ए इंटरसेक्शन ए करने पर फिर से आपको जो ए था वही आया। क्या मतलब, अगर हम कभी भी एक सेट का इंटरसेक्शन खुद के सेट से वही सेट से करेंगे तो फिर से वही सेट हमें आ जाएगा। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इटसेल्फ, क्या होगा वो खुद के ही इक्वल में आ जाएगा। तो यही था हमारा कमेंट कि अगर हम यहाँ पे किसी सेट को इंटरसेक्शन करते हैं नल सेट से तो नल सेट हमारा आंसर आएगा, और किसी सेट को खुद से इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें क्या आएगा, इंटरसेक्शन करने पर वही सेट मिलेगा। तो इसका कमेंट यही था, इफ यू इंटरसेक्ट अ नल सेट विद अ सेट यू विल गेट नल सेट, इफ यू डू इंटरसेक्शन ऑफ द सेम सेट देन यू विल गेट द सेम आंसर व्हाट द सेट इज। ये था आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थर्ड वाला कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज इफ ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड बी इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15 देन फाइंड डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो आपको यहाँ पे ए माइनस बी और बी माइनस ए का आंसर मालूम करना है। स्टार्ट कर लेते हैं ए माइनस बी से। तो यहाँ पे सेट ए क्या है, सेट ए यहाँ पे है 2, 4, 6, 8, 10 माइनस बी। बी सेट क्या है 3, 6, 9, 12, 15। मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, अब फिर से कहूंगा, a माइनस बी में हम आपको जो जो भी सेम टर्म्स यहाँ पे दोनों भी सेम एलिमेंट्स होंगे उसको आपको कट कर देना है, और जो कुछ भी एलिमेंट्स आपको सेट a में जो स्टार्टिंग का सेट जो हमें लिखना है वो सेट में जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या क्या टर्म्स कट जाएंगे, यहाँ से 6, यहाँ से 6 कट जाएगा। अब और कोई टर्म यहाँ पे कट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट सेट a के बच रहे हैं वो आपका आंसर होगा 2, 4, 8, 10। ये एलिमेंट्स को आपको यहाँ पे कंबाइन नहीं करना है, जो कुछ भी आपको यहाँ सेट a में बचेगा वही आपका आंसर होगा, दैट इज a माइनस बी इज इक्वल टू 2, 4, 8, 10। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट वाला कर लेंगे अब b माइनस a। तो देखिए b माइनस a को मैं सबसे पहले b सेट लिखूंगा। b सेट क्या दिया गया है 3, 6, 9, 12, 15 माइनस a। a क्या है 2, 4, 6, 8 और 10। अब यहाँ से आप माइनस कर लीजिए, यहाँ से 6 कट जाएगा, यहाँ से 6 कट जाएगा। मैं समझता हूँ और कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे। अब जो कोई भी सेट यहाँ पे बच गया, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, सिर्फ आपको फर्स्ट वाले के ही एलिमेंट्स आंसर में लिखने होंगे। तो b माइनस a इज इक्वल टू 9, 12 और 15। तो ये था आपका आंसर b माइनस a का। a माइनस b का आंसर यहाँ पे है, b माइनस a का आंसर यहाँ पे है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको सबसेट क्या है अगर वो पता है तो ये आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लूंगा। इफ a एंड b आर टू सेट्स such that a is subset of b, इसको किस तरह से पढ़ेंगे आप, a is subset of b then what is a union b। तो यहाँ पे आपको दो चीजें बहुत ज्यादा गौर करने वाली है। a एंड b आर टू सेट्स, ये दो अलग अलग सेट्स हैं, टू सेट्स such that a is subset of b। मतलब यहाँ पे आप गौर से सुनिए मेरी बात, a के पूरे पूरे एलिमेंट्स b में है, इसमें है a के कंप्लीट एलिमेंट्स आपको b में मिल जाएंगे। तो मतलब b एक्चुअल एक ऐसा सेट है जिसमें a के सारे एलिमेंट्स मौजूद है। तो आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज a यूनियन b, क्या है a यूनियन b। अब आप यहां पे देखिए a एक्चुअल में क्या है, a के पूरे एलिमेंट्स b में आपको मिल जाएंगे। तो मतलब आप a को b भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, इस a को आप a यूनियन b, मतलब यहाँ पे आप a को b भी लिख सकते हैं। b यूनियन b मैं इसको लिखूंगा क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b, मतलब a के पूरे एलिमेंट्स b में है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं b भी लिख सकता हूँ।
अगर आप बी यूनियन बी करेंगे तो क्या आएगा, यूनियन मतलब मिलाना, दो सेट्स के जो भी एलिमेंट्स है आपको मिलाने होंगे। बी से अगर आप फिर से बी को मिलाएंगे तो क्या आएगा, वो आ जाएगा बी खुद। आप बी को अगर बी से फिर से मिलाएंगे तो बी के ही एलिमेंट्स आएंगे, मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या हो गया यहाँ पे, अगर ए यूनियन बी आपको कहा गया है फाइंड करने के लिए, जब ए सबसेट है बी का तो आंसर आपको बी ही आएगा, क्योंकि ए के तो पूरे एलिमेंट्स बी में ऑलरेडी है। तो आप ये दोनों का यूनियन अगर करेंगे तो आपको फिर से बी ही आएगा। तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ वन। इफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, सेट ए क्या है, सेट ए एक नेचुरल नंबर्स का सेट है। सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, बी सेट क्या है, जो कोई भी इवन नेचुरल नंबर है वो सेट बी है। सेट सी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, वो इवन था ये ऑड नेचुरल नंबर हो गया। बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड को दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, ये जो भी सेट्स है मैं उसको नंबर फॉर्म में यहाँ पे लिख लूंगा, और जो कुछ भी हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है वो मैं यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे करके बता दूंगा। तो फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, ये सब इंटरसेक्शन आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस सेट बिल्डर्स फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले मुझे मिल जाएगा सेट ए। सेट ए क्या होगा, सेट ए है एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, क्योंकि हमें यहाँ पे खत्म करने के लिए नहीं कहा गया तो मैं यहाँ पे सो ऑन लिख लूंगा। सेट बी क्या हो गया, सेट बी को मैं लिख लूंगा एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये हो गया सेट बी। सेट सी क्या है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। अब हो गए डी, डी क्या दिया गया है, एक्स इज ए प्राइम नंबर, क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे हमें कंप्लीट मिल गए हैं नंबर्स फॉर्म में कि क्या सेट ए में, सेट बी, सेट सी और सेट डी में नंबर्स है। अब आप आसानी से कर सकेंगे ए इंटरसेक्शन बी और जो कुछ भी आपको दिया गया है। सबसे पहले मैं करूंगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए सेट में क्या है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन बी, बी में क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी कॉमन है ये दोनों सेट्स में वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10। अब यहाँ पे दोनों इवन भी मिल जाएंगे आपको और भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये कंप्लीट सेट है नेचुरल नंबर्स का। यहाँ पे आपको सिर्फ इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इवन। तो दोनों में कॉमन क्या होंगे, ऑब्वियसली इवन नंबर्स कॉमन होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर्स आपको छूट जाएंगे पीछे, क्योंकि इंटरसेक्शन जब आप करेंगे दोनों का तो सिर्फ आपको इवन नंबर्स ही आंसर में मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, ये हो गया इवन नेचुरल नंबर। फाइनली आपको इंटरसेक्शन करने पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेंगे इवन नेचुरल नंबर। अब सेकेंड वाली बिट करते हैं, सेकेंड वाली बिट में दिया गया है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए सेट में क्या है, ए सेट में पूरे नेचुरल नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन सी, सी में क्या है, सी में देखिए एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। जैसा आपने इवन नंबर्स के लिए किया था उसी तरह से ये भी करना होगा। दोनों में कॉमन क्या मिलेगा आपको, इंटरसेक्शन मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ ऑड नंबर्स ही कॉमन मिलेंगे, क्योंकि ये सेट ऑड नंबर्स का है, ये सेट है नेचुरल नंबर्स का।
तो ये ऑड नंबर्स इससे जब इंटरसेक्शन होंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स बच जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑड नेचुरल नंबर्स क्या हो गया, ये सेट हो गया है ए इंटरसेक्शन सी ऑड नेचुरल नंबर्स। अब थर्ड बिट करेंगे हम, दैट इज ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू ए मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स, तो मैं यहाँ पे पूरे लिख दूंगा दैट इज सो ऑन। इंटरसेक्शन यहाँ पे दिया गया है इंटरसेक्शन डी क्या है, डी एक्स इज ए प्राइम नंबर, मतलब यहाँ पे पूरे प्राइम नंबर्स मैंने लिखे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। अब इन दोनों में आपको क्या मिलेंगे कॉमन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन एवरीथिंग इज देयर इंटरसेक्शन 2, 3, 5, 7, 11, 13 जो भी आपके प्राइम नंबर्स है। अब ये दोनों में भी तो आपको कॉमन सिर्फ यहाँ पे प्राइम नंबर्स ही मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे तो कंप्लीट पूरे नेचुरल नंबर्स है, आपको इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ढूंढना है, तो ऑब्वियसली ये पूरे नंबर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये जो हमें प्राइम नंबर मिला है वो आपका ए इंटरसेक्शन डी होगा। तो क्या लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो ये सेट क्या हो गया, ये सेट हो गया प्राइम नंबर्स का, एक सेट क्या हो गया है, ये हो गया है प्राइम नंबर्स। तो 3 बिट्स यहाँ पे हमने कर लिए है, आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो या पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बचे हुए 3 बिट्स अब कर लेते हैं। फोर्थ वाली बिट हमें दी गई है बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू बी हमें क्या मिला है, बी हमें मिला है इवन नेचुरल नंबर्स, बी हमें दिया गया है इवन नेचुरल नंबर्स बी इंटरसेक्शन सी। सी क्या है, सी पूरे ऑड नेचुरल नंबर्स है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ये इवन है वो ऑड है, अब इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं रहने पर भी क्या कॉमन होता है, कॉमन हमें मिलता है नल सेट। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे मिल जाएगा नल सेट जो कि है इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं हम उसको। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू नल सेट। बढ़ते हैं फिफ्थ वाली बिट की तरफ, फिफ्थ वाली बिट में हमें दिया गया है बी इंटरसेक्शन डी दैट इज बी क्या है, बी है हमारे पूरे इवन नेचुरल नंबर्स इंटरसेक्शन डी। डी क्या है, डी है सिर्फ प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन लाइक दिस। अब यहाँ दोनों में आपको कॉमन क्या मिलेगा, और करिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब बाकी के जो भी नंबर्स आपको मिलेंगे ये कॉमन नहीं होंगे इवन नंबर्स से, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर्स और इवन नंबर्स कभी भी कॉमन नहीं हो सकते। तो यहाँ पे कॉमन हमें क्या मिल गया, सिर्फ हमें कॉमन यहाँ पे मिल गया 2 दैट इज बी इंटरसेक्शन डी। लास्ट वाला है सी इंटरसेक्शन डी, तो देखिए यहाँ पे सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू सी में क्या टर्म्स है, सी में हमें सब दिए गए हैं ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन डी में क्या है, डी में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। अब इन दोनों में आपको कॉमन क्या मिल जाएगा, आप यहाँ पे बहुत ही गौर से देखिए, ये पूरे नंबर्स ऑड नंबर्स हैं, ये पूरे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। तो इन दोनों पे हमें कॉमनली अगर ढूंढना है तो दोनों में हमें ऑड प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, जो कोई भी नंबर्स ऑड नंबर्स में प्राइम होंगे वो हमें यहाँ पे कॉमन मिल जाएंगे। किस तरह से देखिए, यहाँ पे 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 11 कॉमन है, इसी तरह से आपको यहाँ पे 13 भी मिल जाएगा और सो ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप गौर करिए, ये पूरे ऑड नंबर्स है और प्राइम नंबर्स भी है, तो ये सेट क्या बन जाएगा, इंटरसेक्ट होके ऑड प्राइम नंबर्स, पूरे ऑड जो कोई भी प्राइम है वो हो जाएगा सी इंटरसेक्शन डी।
नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 10 बिट्स दी गई है, मैं वो पूरे आपको 10 नहीं कराऊंगा, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 3 करा दूंगा, बाकी के 7 आपको करने होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरे 10 बिट्स कराने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे 3 आपको करा दूंगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन से, इसमें आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। थोड़ा आप भी कोशिश करिए वो दूसरे 7 बिट्स कम्प्लीट करने की। चलिए क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, बी इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20, सी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड डी इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20, ये आपको सेट यहाँ पे दिए गए हैं। आपको यहाँ पे सॉल्व करना है ए माइनस बी, बी माइनस ए, सी माइनस बी, एक एक करके मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे दिया गया है ए माइनस बी, तो मैं सबसे पहले ए माइनस बी लिख के सेट्स लिख लूंगा। ए क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस, नीचे लिख रहा हूँ मैं, देखिए बी हमें क्या दिया गया है 4, 8, 12, 16 एंड 20। अब ये दोनों में से आपको क्या दिख रहा है जो आप माइनस कर सकते हैं? मुझे यहाँ पे 12 दिख रहा है, इतने ही टर्म्स है यहाँ पे माइनस करने के लिए। अब माइनस की एक खास बात क्या है, जब भी आप दो सेट्स में से माइनस करेंगे, सबसे पहला वाला जस्ट सेट जो आपको मिलेगा सिर्फ वही आपको आंसर में लिखना है। तो a माइनस बी का आंसर क्या हो जाएगा, जो कुछ भी एलिमेंट्स यहाँ पे बचे हुए हैं वो आपको यहाँ पे सेम कॉपी कर लेना है, 3, 6, 9, 15, 18, 21, दिस इज द आंसर फॉर a माइनस बी। मतलब आप सेट बी में जो कुछ भी बचे हुए हैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं 6 वाली बिट, यहाँ पे मुझे दिया गया है d माइनस ए, तो सबसे पहले मैं d माइनस ए यहाँ पे लिख के b सेट को यहाँ पे लिख लेता हूँ, 5, 10, 15, 20 माइनस a सेट क्या है, a सेट यहाँ पे है 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। अब ये दोनों में से आप क्या माइनस कर सकते हैं, देख लीजिए 15 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और मुझे देखिए और कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे माइनस करने के लिए, तो जो कुछ भी टर्म्स यहाँ पे डी में बचे हुए हैं वो आपका आंसर हो जाएगा 5, 10 और 20। तो ये है आंसर डी माइनस ए का। अब यहाँ पे 9th वाली बिट देख लेते हैं हम, सी माइनस बी का, तो सी माइनस बी में लिख के सबसे पहले सी में लिख लेता हूँ क्या क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 माइनस बी, बी में क्या क्या है देखिए यहाँ पे 4, 8, 12, 16 एंड 20। यहाँ पे आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो आप माइनस कर सकेंगे, 4, 8, 12, 16 ये सब यहाँ पे माइनस हो गए। अब यहाँ पे जो कुछ भी बच रहे हैं वो आपको आंसर में लिखना होगा, 2, 6, 10 एंड 14। तो ये हो गया आपका C माइनस बी। तो ये मैंने 3 बिट्स आपको करा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, रिमेनिंग जो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं वो आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा, माइनस करना बहुत ही आसान है, तो प्लीज आपको ट्राई कर लीजिए। नाउ दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए जल्दी से आप लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाके नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। 7th क्वेश्चन आपको दिया गया है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। तो बस आपको यहाँ पे देखना है कि ये स्टेटमेंट जो भी आपको दिए गए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्विक रिकैप देता हूँ डिसजॉइंट सेट क्या होता है। अगर आपको दो सेट्स दिए गए हैं और एक सेट दूसरे सेट से कंप्लीट अलग है तो उसे कहेंगे हम डिसजॉइंट सेट। अगर एक भी एलिमेंट उसमें कॉमन आ जाता है तो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स मतलब ये दोनों सेट्स कंप्लीट अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, दोनों में आपको 3, 3 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, तो ये क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी नहीं, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट होगी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लीजिए, ए ई आई ओ यू, ये तो वॉवल्स है इंग्लिश लेटर्स के, ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट्स। मुझे यहाँ पे और करने पे
ए कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। डिसजॉइंट सेट, अब ये तो नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अब थर्ड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, 2, 6, 10, 14 and 3, 7, 11, 15 ये कंप्लीट इवन नंबर्स है, ये कंप्लीट ऑड नंबर्स है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों के बीच में, आर डिसजॉइंट सेट्स, मतलब ये बिल्कुल एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में कुछ भी सेम नहीं मिल रहा, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो गई। लास्ट वाला हमारा देख लेते हैं, 2, 6, 10 and 3, 7, 11 यहाँ पे देखिए 2, 6, 10, 3, 7, 11 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, आर डिसजॉइंट सेट कह रहा है, मतलब ये बिल्कुल एक ट्रू स्टेटमेंट है। ऊपर के दो फॉल्स और नीचे के दो ट्रू के साथ हम यहाँ पे खत्म करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2। तो ये थी आपकी कंप्लीट क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.2 से। मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1, 2.2 अब तक कंप्लीट करा दी है। चैप्टर नंबर 1 हमने 2 वीक्स पहले ही खत्म कर दिया है, अगर अब तक आपने वो नहीं देखा तो प्लीज जाके नीचे देख लीजिए। मैं इसी तरह रेगुलर वीडियोस डालता रहूंगा, जल्द ही आपके ये एग्जाम्स आने से पहले इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि पूरे आपके एक्सरसाइजेस अवेलेबल हो जाए मेरे चैनल पे। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को रिकमेंड करिए आप और शेयर जरूर करते रहिए। जो मुझे पहली बार देख रहे हैं और मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज जाके नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको स्प्रेड करते रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ विदाउट एनी कॉस्ट। आपको यहाँ पे अगर ट्यूशन वगैरह में आप जाएंगे तो आपको बहुत से पैसे देने पड़ेंगे, अगर मैं यहाँ पे आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ, जस्ट मुझे आपका सपोर्ट दिखाते रहिए और नीचे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए। तो टिल दैट टाइम कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।